मैं बाकर राम सारण बूढ़ा से अपील है मेरी आप लोगों से कि पूर्व सांसद ने हमारे 1988 में खरीदे हुए भूखंड जो करणी नगर एवं झालामण चौराहा जोधपुर स्थित है पर अवैध कब्जा करके एवं झूठे एवं फर्जी कागजात देकर जिन पर इनके हस्ताक्षर हैं हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इस संबंध में हम इनके पीछे 20-22 साल से घूम रहे हैं, बार बार झूठे वायदे एवं किस्से दे रहे हैं। कई बार कई लोगों से मिलवाया, सर्किट हाउस में मीटिंग की, कोई नतीजा नहीं निकला, उल्टा हमें देख लेने की धमकी दे रहे हैं। हमारी पैरवी करने वाले हमारे दामाद राव रिडमल बाबल को धारा 376 के झूठे मामले में फंसाकर हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। शहर में अलग अलग जगह पर चिन्हित करके प्लॉटों पर कब्जा करने वाला इनका एक सिंडिकेट है जिसके कप्तान पूर्व सांसद जसवंत सिंह है। इन्होंने एक 75 वर्षीय विकलांग बुजुर्ग अणदा राम खावा के 3 प्लॉट दबा लिए हैं। अपने राजनीतिक रसूख की वजह से इनके भाई ने मेरे ताऊ के बेटे खम्मू राम सारण का पट्टा शुद्ध खेत मेन रोड पर पिछले 20 साल से कब्जा करके रखा हुआ है। इस तरह के 50 उदाहरण हैं। इनकी पार्टी एवं प्रधानमंत्री मोदी का नारा ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, इसको एमपी साहब तवज्जो नहीं देते। इन्होंने अवैध तरीके से पद का दुरुपयोग करके गुड़ा बिश्नोईयान में गोचर भूमि में बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा किया हुआ है जिसका फोटो हम नीचे दे रहे हैं। इन्होंने बड़े बड़े होटल, पेट्रोल पंप्स, रातानाडा में टावर्स, गुड़गांव, नोएडा, उज्जैन, हुबली में अथाह संपत्ति खरीदी है। कई तरह की एजेंसियां भी ले रखी है। जनता की सेवा नहीं, जनता का खून चूसना इनका मुख्य काम है। श्रीमान जी ने अपने प्रभाव का काम करके इंडियन ऑयल में टैंकर का ठेका हासिल कर लिया, तेल चोरी करते पकड़े गए, ब्लैकलिस्ट कर दिए गए, टैंकर्स वालों का करोड़ों रुपया हजम कर लिया। हर स्तर पर इन्होंने जम कर खाया है। दूध वाला, सुथार, कारीगर, लोहे के काम वाला, सभी को इन्होंने धोकर रख दिया है। श्रीमान जी 1998 में रंग थे जो अब राजा बन के बैठे हुए हैं। कोई इंसान इतने कम समय में इतनी अकूत दौलत कैसे कमा सकता है? क्या यही सरकार का सुशासन है? सरकारी नशाबंदी की नीतियों की भी खुलकर ये साहब धज्जियाँ उड़ाते हैं। इनके छोटे भाई थानाराम एंटी ड्रग कोर्ट में सरकारी वकील है, अदालत में खड़े होकर ड्रग तस्करों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं मगर स्वयं ड्रग के बगैर खड़े भी नहीं रह पाते। रोजाना कम से कम 50 ग्राम अफीम खाते हैं तो ये खड़े हो पाते हैं। ये अदालत में कितनी सार्थक बहस करते होंगे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री महोदया गौरव यात्रा निकाल रही है, क्या थानाराम जैसे अफीमची को सरकारी नशा विरोधी अदालत में नियुक्त करना गौरव की बात है? हम सरकार से इनके मेडिकल जांच एवं निष्कासन की मांग करते हैं। पूर्व सांसद महोदय, मेहरानगढ़ किले की घटना जिसमें 225 लोग मारे गए थे में भी मुख्य अभियुक्त है, परंतु सरकार की तरफ से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उल्टा इनको राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर जनता को लूटने की एवज में पुरस्कृत किया गया है। कितनी शर्मनाक बात है। पार्टी के लिए भी श्रीमान जी कभी वफादार नहीं रहे। 2008 एवं 9 में ओसिया विधानसभा चुनाव में इन्होंने बीजेपी के टिकटधारी उम्मीदवार का विरोध किया था एवं कांग्रेस की लीला मदेरणा के पक्ष में चुनाव प्रचार करके पार्टी के साथ भीतरघात किया था। हम हमारी जायज मांग को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक हर संभव मंच से उठाएंगे। इनका उच्च अधिकारियों को मेमोरेंडम देंगे। हर स्तर पर विरोध होगा। सीएम, पीएम कार्यालय, मानवाधिकार आयोग, बीजेपी की टिकट वितरण कमेटी एवं अन्य राजनीतिक संगठनों को भी हम ज्ञापन देंगे और इनके विरोध में सभी तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे। इन्होंने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया तो हम 16 एवं 17 तारीख को कमिश्नर ऑफिस, मेडिकल कॉलेज, गांधी जी की मूर्ति या जिलाधीश कार्यालय पर धरना देंगे।
आत्मदाह करेंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जसवंत सिंह एवं प्रशासन की होगी।